हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK एग्रीकल्चर क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं BSc AG सेकेंड सेमेस्टर के पेपर का सलूशन जो अभी अभी हुआ है, फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। कृपया आप लोग अपना पेपर मिला लीजिए, हमारी सीरीज A है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, फाइटोक्रेम भाग लेते हैं, तो फाइटोक्रोम भाग दीप्तिकालिता में लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में राइबोसोम स्थित होते हैं, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, थाइलेकाइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड होते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड रंगहीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, जब किसी कोशिका को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कोशिका प्रदर्शित करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रसारण। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 5 है, अपनी गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कणों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कहलाती है, तो यह गति विसरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध जल का जल विभव होता है, तो शुद्ध जल का जल विभव 0 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, भूमि में उपस्थित पानी की कुल मात्रा कहलाती है, तो भूमि में उपस्थित पानी की कुल मात्रा होलार्ड कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, जाइलम में ट्रैकिड बेसिल्स और जाइलम पैरेकाइमा होते हैं, जिनमें से पहले 2 मोटी दीवारों के निक्षेपण के कारण होते हैं, तो इसका आंसर हमें अभी मिला नहीं है। आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, दीप्तिकालिता की घटना की खोज की थी, तो दीप्तिकालिता की घटना की खोज गर्नर तथा एलॉर्ड ने की थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल दाब शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो यह स्टेफन हॉल्स 1727 द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। 11 नंबर है, तरल के रूप में पौधों के जीवित ऊतकों से पानी की हानि के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बिंदु सराव। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 2 विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरे अंडाकार आकार के छोटे छोटे छिद्रों को जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गार्ड सेल्स जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर होगा, पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मानदंड किसके द्वारा दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अरनान तथा स्टाउट के द्वारा 1939 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है, पुराने पत्ते पूरी तरह से पीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन तेज़ी से गति करता है पुरानी पत्तियों से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नवीनतम पत्तियों में। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गंधक धारित अमीनो अम्ल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हिस्टिडाइन। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, पालक गेहूं एवं अन्य खाद्यान्न फसलों में चूना प्रेरित क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है, तो यह आयरन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मक्का में सफ़ेद कलिका रोग किसकी कमी से होता है, तो मक्का में सफ़ेद कलिका रोग जिंक की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 18 है, वाहक अवधारणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वाहक अवधारणा सिद्धांत हर्नर्ट ने 1937 में प्रतिपादित किया था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पीत एंजाइम को इस नाम से भी जाना जाता है, तो पीत एंजाइम को विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसके कारण बरसात में दरवाजे फूल जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एम्बिबिसिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टोमेटा रात के समय खुलते और दिन के समय बंद होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अब तक उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, एक तत्व जो रंध्र गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है, तो वह पोटेशियम है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है हमारा, बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है, तो बिंदु स्राव हाइड्रेथोरस के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। 24 नंबर है, जड़ और टहनी के सिरे का तेज़ी से ख़राब होना किसकी कमी के कारण होता है, तो वह ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कैल्शियम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 25 है, IAA संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिंक। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, कई फलों और सब्जियों की ताज़ा उजागर सतह काली क्यों हो जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चाकू से लोहे के अंश की उपस्थिति में टैनिक एसिड का ऑक्सीकरण उन्हें काला कर देता है।
अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कौन सा तत्व न्यूक्लिक एसिड फास्फोलिपिड एटीपी एडीपी एनएडीपी में सामान्यता होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल तनाव के संकेतक के रूप में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के ठीक पहले पत्ती के पानी की क्षमता को रिकॉर्ड करना संकेत कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पत्ती जीर्णन। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के दौरान जल के प्रकाश अवघटन से संबंधित तत्व हैं? तो मैग्नीशियम है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, कौन सा एक अजैविक तनाव नहीं है? तो पक्सिनिया ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पक्सिनिया अजैविक तनाव नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका झिल्ली में तत्वों के परिवहन के लिए आवश्यकता होती है? तो इसमें एटीपी की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 है, मोलिब्डेनम किसका घटक है? तो मोलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेड सिस्टम का घटक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, लेग हीमोग्लोबिन किसकी गतिविधि की रक्षा करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाइट्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर 35 है, निकोटिनेमाइड और आईएए का अग्रदूत है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ट्रिप्टोफैन। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है? तो लाल रंग सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियाँ प्रमुख सिग्नलिंग अणु हैं जो प्रतिक्रिया की अवधि में उत्पन्न होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अजैविक तनाव। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉनों के चक्रीय प्रवाह में फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो इसका आंसर अभी तक हमें मिला नहीं है, कृपया आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पानी के प्रकाश अवघटन द्वारा फेरोसाइनाइड में अपचयित होना कहलाता है? इसका भी आंसर हमें अभी मिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाश संश्लेषण में आत्मसात करने की शक्ति? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, NADPH2 तथा ATP। क्वेश्चन नंबर 41 है, फेरेडॉक्सिन तत्व है? तो फेरेडॉक्सिन PS फर्स्ट का तत्व है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर हमारा, C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला पहला स्थिर यौगिक है? तो 3PGA पहला स्थिर यौगिक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, पौधों के बढ़ने और अपना जीवन चक्र एक ऐसे माध्यम पर पूरा करने की क्षमता जिसमें उच्च घुलनशील नमक होता है किस रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सहनशीलता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्रेंज प्रकार का शरीर रचना विज्ञान किसकी पत्तियों में पाया जाता है? तो यह C4 पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर है, गन्ने में CO2 स्वीकर्ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फास्फोनिल फाइरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 46 है, नमक सहिष्णु फसलें अपने जीवन चक्र को किसके संतुलन के साथ बनाए रखती हैं? तो यह सोडियम और पोटेशियम के रेशियो के साथ बनाए रखती हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूखे की स्थिति में पौधे अधिक जमा करते हैं? तो ए बी अधिक जमा करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 48 नंबर है, पौधे में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में किस रूप में संचित होती है? तो यह ग्लूकोज के रूप में संचित होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। 49 नंबर है, हैच और स्लेक चक्र नहीं पाया जाता है? तो यह हार्डियम वल्गेयर में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 50 नंबर है, प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट है? तो इसका ग्लाइकोलेट है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 51 नंबर है, क्रेब्स चक्र में एक प्रतिक्रिया किसके बीच से 6 कार्बन यौगिक के निर्माण के साथ शुरू होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑक्सेलोसिटिक एसिड और तथा एसिटाइल सियोजाइम है। अगला क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर, क्रेब्स चक्र में एंजाइम इकोनिटेज के लिए आवश्यक खनिज उत्प्रेरक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, Fe आयरन। अगला क्वेश्चन हमारा 53 नंबर है, अवायवीय श्वसन के दौरान माइक्रोकांड्रिया में प्रवेश करने वाला सबस्ट्रेट है?
तो इस एसिटाइल सियोजाइम है, ए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, तो इसका आंसर अभी तक हमें मिला नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर, जड़ से रोह तक जल के ऊपर की ओर गति को जाना कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रसारोहण के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर, अवशोषित और संचित खाद्य सामग्री को पौधे के एक भाग से पौधे के दूसरे भाग में स्थानांतरित करने को किस रूप से जाना जाता है, तो इसे स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है, ट्रांसलोकेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 57 नंबर है, लाइकोपिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जिसे अलग किया जाता है, तो टमाटर से अलग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पौधे में अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, पौधे में वृद्धि मापी जाती है, तो पौधे में वृद्धि एनीमोमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर, पौधे में बौनेपन को किसके साथ उपचार करके नियंत्रण किया जाता है, तो इसका जीए के साथ उपचार करके नियंत्रण किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है हमारा, केले का कृत्रिम पक्कन किसके अनुप्रयोग से प्रेरित होता है, तो यह एथिलीन के अनुप्रयोग से प्रेरित होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।